स्वागत है दोस्तों। हमारा YouTube चैनल बनाए कौशल एकेडमी के नाम से, उस पर आप जा सकते हो और कई सारे लेक्चर को आप करंट के लेक्चर को पढ़ सकते हो। अभी मैं आपको टाइगर स्टेट के बारे में कुछ बता रहा हूँ। जिस राज्य में सबसे अधिक बाघों की संख्या पाई जाती है, उस राज्य को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया जाता है। मध्य प्रदेश को एक बार 2006 के पहले टाइगर स्टेट का दर्जा मिला था, क्योंकि उस समय मध्य प्रदेश में देश भर में बाघों की संख्या सबसे अधिक थी। इस बार जब सर्वे किया गया 2018 में, तो सबसे अधिक बाघों की संख्या पाई गई मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या पाई गई 536, और पूरे देश में नंबर वन पर आया मध्य प्रदेश। इसीलिए एक बार पुनः मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिल चुका है, तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला दोस्तों। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, और ये आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। ये एग्जाम में पूछेगा कि 2018 में सर्वे के अनुसार किस राज्य को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला, तो आपको पता होना चाहिए ये मध्य प्रदेश को मिला है। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 है। दूसरे नंबर पर आया दोस्तों कर्नाटक, दूसरे नंबर पर आया है कर्नाटक, जहां पर बाघों की संख्या है 524। कितनी? 524। कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में। और तीसरे नंबर पर है दोस्तों उत्तराखंड, तीसरे नंबर पर आया उत्तराखंड, यहां पर बाघों की संख्या है 442। कहां पर? उत्तराखंड में। ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही गौरव की बात है दोस्तों कि हमारे मध्य प्रदेश को एक बार पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा मिल चुका है। आप इसी तरह करंट के क्वेश्चनों को हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हो, पढ़ सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो। हमारा YouTube चैनल बना है क्वेश्चन एकेडमी के नाम से, क्वेश्चन एकेडमी 123 YouTube चैनल पर।